आज भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत कुछ ऐसा करने वाला है जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे बड़ी छलांग लगाने को बेताब है। भारत विज्ञान की दुनिया में महारिकॉर्ड बनाने और इतिहास रचने को तैयार है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो अपने मून मिशन में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। साफ तौर से कहें तो चंद्रयान 3 आज चांद पर फतह हासिल करेगा, लेकिन आज अगर किन्हीं कारणों से चंद्रयान 3 सेफ लैंड नहीं कर पाया तो आगे क्या होगा? अगर लैंडिंग के वक्त कोई चट्टान टूट गई और बड़े बड़े गड्ढे आ गए तो इससे कैसे निपटा जाएगा? अभी सभी के जहन में यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इसरो ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की है। तो हम आपको बता दें कि इसरो ने अपने मून मिशन की सफलता के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। आखिर ये प्लान बी है क्या और इससे चंद्रयान 3 को सफल लैंड करने में कैसे सफलता मिलेगी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की माने तो इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्लान बी बनाया है, लेकिन ये प्लान तभी अमल में लाया जाएगा जब चंद्रमा पर विशालकाय आकार का कोई गड्ढा यानी क्रेटर सामने होगा। हालांकि इसरो ने चट्टान और विशाल गड्ढे से भी निपटने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अगर लैंडिंग के लिए एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरी तैयार रहेगी। लैंडिंग के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर का क्षेत्र तैयार किया गया है। ये क्षेत्र चंद्रयान 2 से भी ज्यादा है। वहीं सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ी दिखती है या लैंडर मॉड्यूल से जुड़ी कोई समस्या पैदा होती है तो लैंडिंग को टाला भी जा सकता है। बता दें कि चंद्रमा पर विशालकाय गड्ढों की संख्या अच्छी खासी है। गहरे गड्ढों में सर्दियों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है। इन क्षेत्रों में तापमान -245 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चंद्रमा की सतह पर उल्कापिंड का गिरना, ज्वालामुखी फटना या भूगर्भ में किसी अन्य कारण से हुए विस्फोट के चलते विशालकाय आकार के गड्ढे क्रेटर बन जाते हैं। ऐसे में इससे निपटना इसरो के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल भारत के इस मिशन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत दुनिया में रूस, अमेरिका और चीन के बराबर आ जाएगा। अभी तक इन्हीं 3 देशों को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाबी हासिल है, लेकिन आज अगर भारत ये इतिहास बना देता है तो भारत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।